छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी का एक्शन लिया गया है। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति को अटैच कर दिया। 18 चल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अटैच संपत्ति का सरकारी मूल्य 205 करोड़ 49 लाख रुपए बताया गया है, कई गुना ज्यादा हो सकता है अटैच संपत्ति का बाजार मूल्य। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी ने एक्शन लिया और ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी। 18 अचल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अटैच संपत्ति का सरकारी मूल्य 205 करोड़ 49 लाख रुपए बताया गया है, कई गुना ज्यादा अटैच संपत्ति हो सकता है अटैच संपत्ति का बाजार मूल्य। राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वो वायनाड से हारने वाले हैं और असली अमेठी छोड़कर रायबरेली से ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी में हो चुका है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार का मिशन पूरा होगा। हमारे साथ हैं, हम सर बात करते हैं मिशन मुरादाबाद यूपी के मिशन के लिए आप फिर जा रहे हैं। अरे मिशन यूपी क्या करे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मिशन है, भाजपा में ही पूरा देश बना हुआ है और भाजपा के काम के लिए क्या यूपी क्या बिहार क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान जहां जहां चुनाव है वहां वहां भाजपा का झंडा लेकर के जाने के लिए माननीय मोदी जी ने इतनी मेहनत की है, लोगों का दिल जीता कि केवल हमको एक बार स्मरण कराने की देर है कि जनता अपने आप मोदी में वातावरण में डूब जाती है। सर यूपी में धुआंधार कैंपेन आपके चल रहे, आज रायबरेली में उम्मीदवार बना दिया राहुल गांधी को, आप देखो ना ये तो कांग्रेस के हालत है, एक लड़के हार के भागे और एक बिना लड़े भाग गए, अब ये वो जाने उनका काम जाने, प्रियंका बड़े धूमधाम से ही थी बिना लड़े भाग गई, अब राहुल ने अपनी जगह बदल ली। पिछला चुनाव अमेठी से हारे थे राहुल, इस बार नहीं उतरे, इसलिए उनको मालूम वायनाड से हारने वाले, तो अब अमेठी में छोड़कर के रायबरेली से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से भी हारेंगे तो इस बार 400 पार का मिशन निश्चित रूप से होगा। देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि वायनाड में हार का डर था इसलिए वहां से राहुल भागे और यहां पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। रायबरेली की जनता का भी फैसला वैसा ही होगा जैसा अमेठी की जनता का था, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि अब भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकेगा। इससे पूर्व में अमेठी की जनता का, रायबरेली के भी जनता का निर्णय मैं सोचता हूँ वैसा ही होगा जिससे पूर्व में अमेठी की जनता का था, पहचाने जा चुके हैं, अब और छद्म और भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी तभी उनको कुछ मिल सकता है। उससे पहले आप सिर्फ गणित के आधार पर सिर्फ भ्रम फैलाकर अब जनता को और नहीं आप भरमा सकते। राहुल गांधी के यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। मोदी जी बड़ौदा छोड़ के क्यों आए बनारस, इसका जवाब दें। अटल बिहारी वाजपेयी तीन तीन चुनाव क्षेत्रों से क्यों चुनाव लड़ते थे, जमानत जब्त होती थी दो दो जगह से। ये भारतीय जनता पार्टी, अडवाणी जी क्यों गए थे गुजरात चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर, वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, क्यों ले गए थे बिहार जॉर्ज फर्नांडिस। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये मौके मौके पर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। इमरती देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान के बाद एमपी की राजनीति में उबाल आ गया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाओं ने इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान की निंदा की है। न्याय प्रिय महिला थी माता अहिल्या माता, जिस नगरी के हम रहने वाले हैं और ये भारत देश नारी के नाम से जाना जाता है, नारी शक्ति की पूजा होती, चाहे शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा हो चाहे लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा हो, उस देश में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए जो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी
हमारी बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरीके की है महिलाओं की। तो सुना आपने जीतू पटवारी की विचारधारा महिलाओं के प्रति कैसी। दरअसल यहां पर महिलाएं पहुंची हुई थी जीतू पटवारी के घर के बाहर घिराव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची थी। हालांकि पहले से पुलिस बल तैनात किया गया था, उसके बावजूद महिलाएं इतनी आक्रोशित थी, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए तैयार रही। इस दौरान महिलाओं का यह कहना है कि उनकी माँ बहनों से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या उन्होंने यही उन्हें सिखाया है कि वो प्रदेश की महिलाओं का अपमान करें और तमाम अब सियासी जो